स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। मेरा नाम है राजेश और अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और अभी मैं जा रहा हूँ। मैं उठा था एक्चुअली, उठते ही मैंने जैसे ही बाहर को देखा यहाँ पे क्या है, वो सामने हमारा घर है, वहाँ से सामने ये खेत है। तो उठते ही मैंने क्या देखा कि वहाँ पे लोग हल लगा रहे हैं। हल लगा के देख के आते हैं कि हम तो क्या ही लगाएंगे, वो लगा रहे हैं, उनको देख के आते हैं कैसे लगाते होते हैं। आपको दिखाता हूँ, चलो। ये है खरीक, ये भी भैया का है हमारा, और ये दोनों गायें भी उनकी ताई की हैं। हेलो, दो आमा लोग मिल रहे हैं आपस में, फ्रेंड्स का मेल हो गया। ये लगी हुई है गढ़री, बोल रहे थे भैया, जैसे अरबी के जैसे पत्ते लग रहे हैं वो गढ़री है, और ये है हल्दी। खाना वाना खा के ना हम यहाँ आए थे, और यहाँ ऊपर इस पेड़ पे नाशपाती लगी है। अभी टूटेंगे नहीं वो देखते हैं, अभी खाता हूँ आपको नाशपाती। अरे वो मारे पत्थर मेरे, ये तोड़ा मैंने अभी, थोड़ा निशान भी पड़ गया इस पे, और देखो एक बार खा के कैसा हो रहा है। देखना ये नाशपाती क्या है, कौड़ा सा हो रहा है। तो भैया करोड़ है, आधा बेइज्जती हो गई। ये दिनी भैया भी उठ गए। हाँ खा लिया मैंने, खा लिया खाना, खा लिया। हाँ हाँ हम तो घूम फिर के भी आ गए खेत में, सब लोग उठ गए हैं। ये बड़े ताऊ जी हैं, ये दूसरे ताऊ जी के बेटे, वो उधर मनी भैया, इधर दिनेश भैया, मम्मी ताई, और वो पीछे दिनी भैया की बेटी पाइप है जिनके पास अभी, और पीछे ताई भी है दिनी भैया की मम्मी, और ये हमारे मंटू भैया। ये है मेरे भैया दिनी भैया, ये मच्छनेवी में ना, मच्छनेवी में शिपिंग कंपनी में है। तो रात को हम ला नहीं पाए क्योंकि उस टाइम पे अंधेरा भी था, तो अभी हम लोग सभी उठे हैं, तो सब भाई लोग मस्ती वस्ती करेंगे थोड़ी देर। भाई मम्मी और ताई की लग रही है बातें, इनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही भाई, कल रात से लगे हुए हैं दोनों। ये इस किनाल के अंदर पानी ऊपर से आ रहा है, ऊपर एक छोटी सी नहर है, उस नहर से नीचे आता है पानी सिंचाई के लिए, तो यहाँ से आगे जाता है ये खेतों में। ना एक ये पेड़ होता है, इसे बोलते हैं शिशौन। इस पेड़ के ये जो पत्ते हैं, पत्ते के ऊपर यहाँ पे भी कंडे होते हैं, यहाँ पे भी कंडे होते हैं, और निचले साइड भी कंडे होते हैं। अगर आपको दिख रहे होंगे हल्के हल्के, ये ना रूएँ से, ये देखो इसके स्टेम पे भी कंडे होते हैं, यहाँ पे ये स्टेम पे भी, और अगर इन केस इस पे हाथ लग जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे करंट लग गया हो, और बहुत देर तक जलन रहती है। अभी मैं और भैया जा रहे हैं इनके मंदिर में, जहाँ पूजा हुई थी हमारी, जहाँ पूजा हुई थी कुल देवता की, गोली का मंदिर, गोलू देवता मंदिर, जो इसके ऊपर करते पानी के नीचे जाएगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा। हाँ ये है बड़ी वाली, और इससे भी बड़ी नहर एक अभी और ऊपर है, यही है ऊपर से आ रही है। इसमें पानी कहाँ से आ रहा है? चखोटिया से, स्पेशली खेतों के लिए निकाला हुआ है, बस बनाया हुआ। अच्छा बहुत पानी आ रहा है, पिछले पुरानी अब ये समय, हाँ टाइम टाइम रिपेयर होती रहती होगी ना। यहाँ तो गलियाँ बना रखी हैं, अरे फिर से चढ़ाई आ गई। ये है मोंटू भैया का पुराना घर, जहाँ हमारे ताऊ जी वगैरह सब लोग पैदा हुए थे। इस घर का दरवाज़ा देखो, पहले टाइम है ना ये नक्काशी करके बना रखा है,
और मजबूत थे दीवार दीवार के द्वार, अभी भी मजबूत है, 100 साल पुराना हुआ मकान। हाँ और पुराने जमाने पापा पैदा इसमें हुए, पापा से पैदा। और इस पे देखो सरिये का ये पूरा मतलब यूज नहीं होता होता है, लकड़ी से ही बीम बना रखा है पूरा बीम। खिड़कियां भी बड़ी एंटिक सी है वही मकान। काट काट के सीढ़ियां बना रखी हैं। ये छोटा सा पुल बना हुआ है, बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी आता होगा। वैसे हमारे उत्तराखंड वाले लोगों के पास, उत्तराखंड क्या जिसके भी मतलब गांव पहाड़ के उसमें है, उत्तराखंड हिमाचल, तो उन लोगों के लिए अच्छा है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ट्रैक अपने गाँव आ जाओ। और उत्तराखंड अभी अनएक्सप्लोर्ड है और इतना कमर्शलाइज हुआ नहीं है, इसकी वजह से पूरा का पूरा रॉ है। हाँ ओ भाई फुल खड़ी चढ़ाई है, जो लोग अपने आप को फिट समझते हैं ना, जो लोग अपने आप को फिट समझते हैं ना उनकी सांस फूल रही है। ये है मंदिर, गांव का माइथान, माइथान बोलते हैं इसे गांव का। यहाँ पे पूजा वगैरह होती रहेगी, गांव के जो भी फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, लंगर वंगर वगैरह यहीं पे बैठ के खिलाया जाता होगा। ये है व्यू, गिर मत जाना। भैया कह रहे हैं ये रास्ता है, ये प्रॉपर रास्ता है। ये कैसा रास्ता हुआ भाई, हैं एम ही तुम ऊपर जाके कहना ये रास्ता नहीं था। चलो ये है गोयल देवता जी का मंदिर, गोयल देवता जी का नाम भी लिखा हुआ है। और ये है सेम देवता जी का मंदिर, यहाँ पे भी नीचे ये हवन कुंड जैसा बना रखा है। यहाँ पे जब जागरी हुई थी तो उस टाइम पे जो हमारे मनीष भैया और पप्पू भैया थे वो लोग यहीं पे सोए थे, हरीश भैया वगैरह खुले में। और यहाँ पे मतलब गाँव में, यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे मतलब एज इन कि हमारे उत्तराखंड में तो बोलते हैं कि खुले में नहीं सोना होता है, क्योंकि रात को यहाँ पे बाघ वाघ आते हैं, यहाँ पे बाघ भालू ये सब जानवर यहाँ पे खुले घूमते हैं, देखने को मिल ही जाते हैं इजीली। उसके भी दर्शन हो गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से नीचे को। यहाँ पे आवाज देखो, जो प्रॉपर जंगल वाली आवाज होती है ना उबली आवाज है। ट्रेल बना रखा है एक, इस पे चल के जाओ। ये है गांव का टैंक, दिखाता हूँ आपको, ऊपर से आता है पानी सारा, इस टैंक में भरता है, इस टैंक से फिर अगेन नीचे जाता है पाइपलाइन के थ्रू। ये पाइपलाइन है जो सभी लोगों के घरों में। ये है हमारे ताऊ जी के फ्रेंड, बचपन के फ्रेंड है, मतलब एक ही मोहल्ले के हैं, तो ताऊ जी को बचपन से सेम वैसे ही दरवाज़ा है, ये मेंटेन्ड है। खिड़की थोड़ा बहुत डिमक लग रही है वहाँ पे। ये हमारे ताऊ जी के दोस्त हैं, बचपन में खेलते होंगे आप लोग सारे इकट्ठे। गांव में हर एक घर में एक ये जरूर होता है, इसको ओखो भी बोलते हैं और एक और कुछ बोलते हैं। ताऊ जी इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओखली, ओखली नहीं पहाड़ी में ओखो, ये धान वगैरह कूटने के लिए यूज किया जाता था पहले के टाइम, हर एक घर में होता है ये ना, पहाड़ों का कल्चर। हर रोज सुबह उठ के पहले भगवान जी की पूजा, अंदरनी नाश्ता और सब कुछ बाकी काम। चलो अभी हमारी हो गया मीटिंग, जा रहे नेक्स्ट टाइम, हम जा रहे हैं अपने गांव, भैया यहीं रहेंगे आज, भैया वापस जा रहे हैं दिल्ली। इसमें पैसे दे दो ना, भैया कपिल को कह रहे हैं कि तू पांच चल मेरे बड़ा है, पांच पैसे दो, पैसे कर दूंगा फोन पे जमाने। चल चलो ठीक है भैया, चल फिर मिलेंगे, ओके बस। चलो अब अगले अगले गांव में मिलते हैं हम लोग। मौसी बैठ गई, हाँ।